तो जी सब ने राम राम और क्या हालचाल है सबके। तो आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको कम से कम 1 वीक के बाद अपलोड करूंगी। तो कल मेरा पहला दिन था जिम में और कुछ टाइम थोड़ी टाइम किया था। देखो पहला था, दूसरा टाइम है, मतलब दूसरा दिन। और कल मैंने जो वेट करा था मेरा था 65 kg। तो 1 वीक मैं कितना कम करती हूँ, 1 वीक के बाद ये आएगा आपके पास व्लॉग। और दिखा भी देती हूँ लाइव अभी जाकर जिम में एक बार आपको, क्योंकि कईयों को यकीन नहीं होगा कि इतना है वेट। और फिर 1 वीक के बाद मैं दिखाऊंगी मैंने कितना कम करा है। तो आज क्या है, आज है ट्यूसडे, ठीक है, और आज दूसरा दिन है जिम का। डाइट क्या ली मैंने, कैसे वेट कम किया, वो आप लोगों के साथ शेयर में जरूर करूंगी। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ जिम में और प्रीसा को ट्यूशन छोड़ते हुए, और वहां जाके एक बार दिखाती हूँ मेरा वेट कितना है। तो रात को तो मैंने वो ओट्स खाए थे, पर ये अगले दिन की, अगले दिन मैंने अपने लिए बनाए थे स्प्राउट, जिसमें पीनट वगैरह मूंग दाल के स्प्राउट ये सब डाला था। ये मैंने लिया था सुबह मॉर्निंग में तकरीबन 7:30 बजे, उससे पहले 2 गिलास पानी, जैसे आप पानी भी ले सकते हो एप्पल साइडर विनेगर डाल के, वो भी बेस्ट है। तो मैंने तो नॉर्मली ही लिया था। तो उसके बाद मैंने ये है ब्रेकफास्ट जो मैंने खाया था, जिसमें खीरे वगैरह सब डाल लिए थे, निचोड़ा है नींबू, इससे आपका पेट भी भरेगा और ये आपके लिए हेल्दी भी है। सुबह सुबह कई लोग रोटी खाते हैं ब्राउन ब्रेड, तो उससे अच्छा है अगर हम स्प्राउट खाएं, चने मूंग की दाल के, सारा कुछ जो भी आप खाना चाहते हो। तो आज 4 दिन हो गया जिम जाते हुए मुझे, और अभी मैं आई हूँ। आज वहाँ पे कोई एक्सरसाइज की नहीं बनाई है मैंने, तो अब से हम थोड़ी थोड़ी हैवी एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। और अभी कोई खास डाइट है नहीं, नॉर्मल सा ही है, बस मैंने स्प्राउट खाए थे। और अभी देखती हूँ क्या कोई सब्जी वगैरह बना के खाऊंगी। तो आज रात को रोटी नहीं खा रही हूँ मैं, कुछ और बनाते हैं। और ये सोने तो पहले पीऊंगी मैं हल्दी वाला दूध, बस तैयार हो गया मेरा अच्छे से पका के, फिर थोड़ा इसको ठंडा करेंगे उसके बाद, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना पूरी बॉडी में पेन होता है बहुत ज़्यादा, और उसके लिए बहुत अच्छा है। कई लोग तो इतना ज़्यादा पेन होता है फिर वो मेडिसिन वगैरह लेते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है मेडिसिन की। कुछ दिन के लिए मैं पी रही हूँ हल्दी वाला दूध, और बिल्कुल भी फिर इतना ज़्यादा पेन नहीं होता, थोड़ा बहुत तो होगा तो बहुत अच्छा है। और ये सुबह के लिए मैंने भिगो के रख दिया है, इसमें मैंने अखरोट बादाम और किशमिश, ये मैं सुबह खाऊंगी। और ये स्प्राउट तैयार हो जाएंगे मेरे, वैसे मेरे पास वो भी है जिसमें स्प्राउट बनाते हैं, पर ये बहुत अच्छा है, इसमें हो जाते हैं मेरे, जैसे अभी मैंने रखे ना सुबह तक बहुत अच्छे स्प्राउट हो जाएंगे। ये ढक दी मैंने छलनी, ये हवा पास होती रहेगी,
और ये भी गोदी, इसके फिर मैं सुबह पानी निकाल के इसका, अभी तो मैं और कोई डाइट ले नहीं रही, हल्की हल्की स्टार्ट करूँगी, फिर बाद में जो जिम वाले बोलेंगे, अभी तो मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, क्योंकि जब इतने दिन के बाद, कम से कम 5 साल के बाद मैंने जिम स्टार्ट किया है, तो हल्की हल्की डाइट शुरू करेंगे एक बार भी। और अभी ये दूध हो गया मेरा तैयार, रोटी मैंने खाई नहीं है, रोटी नहीं खाई है रात को, रोटी मैंने छोड़ दी है रात को खानी, और कुछ खा लेते जैसे सूप या कोई भी वेजिटेबल वगैरह बॉइल करके वो चीज़ें, या सूप वगैरह, तो रोटी तो मैंने बंद कर दी है, दूध पी रही हूँ, ये हल ठीक रहूँगा और ये अच्छा भी है। और फिर से अगला दिन, फिर था एक्सरसाइज शुरू, अब हमने थोड़ी और हैवी एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी थी, और जो साथ में कर रही हैं निर्मल जी हैं जो मेरी ट्रेनर हैं। 2 दिन बीच में छूट गया जिम, हम चले गए ऋषिकेश और हरिद्वार, तो मैं जा नहीं पाई, कल गई थी तो सुबह, फिर अभी फिर ब्रेकफास्ट कर रही हूँ 7:30 बजे, और इसमें वही डाल रहे हैं, स्प्राउट हैं, पीनट, टमाटर और खीरा और सेंधा नमक और एक नींबू, तो फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट में ये खा रही हूँ सुबह। तो फिर जिम में जाने का टाइम हो गया, तो सुबह तो मैंने वो कर लिया था, आपने देखा था कि ब्रेकफास्ट में मैंने स्प्राउट खाए हैं, मैं रोज़ स्प्राउट ही खाने शुरू कर दिए हैं, आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो सैलड के साथ या ओट्स भी। तो शाम को जब भी जिम जाती हूँ, जाने से पहले मैं पीती हूँ ब्लैक कॉफ़ी, ताकि आपको एनर्जी मिले और एक्सरसाइज आप अच्छे से कर पाओ, और वैसे भी ब्लैक कॉफ़ी अच्छी होती है बिना दूध के, तो जिम जाने से पहले मैं पीती हूँ ब्लैक कॉफ़ी। और 2 दिन फिर बीच में छूट गए, हम हरिद्वार चले गए थे, वो 1 वीक का जो था वो बीच में रह गया, तो हम एक बार छोड़ के फिर करते हैं ना, फिर स्टार्टिंग से करना पड़ता है, तो आज फिर 2 दिन के बाद मैं जिम जा रही हूँ और पहले पी है ब्लैक कॉफ़ी। तो अभी आई थी जिम में, और बेबे ने डिमांड कर दी आते कि मम्मी पास्ता बनाओ, तो मैं बना रही हूँ, बनाना पड़ेगा, क्या करें, बच्चों की डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी, रख दो एक बार फिर बनाऊंगी, बनना कम आँच कर दूंगी। तो जिम करते हुए आज 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, और आज की भी थोड़ी सी एक्सरसाइज मैंने आपके साथ शेयर की थी, फुल डिटेल जब मैंने कम से कम मतलब 7-8 दिन हो जाएंगे तब दूंगी मैं आपको, अभी मैंने देखा भी नहीं है 5 दिन तक कितना वेट कम हुआ है कितना नहीं है, और डाइट का तो वही है, अभी लूंगी मैं, थोड़ी बहुत चल रही है, क्योंकि बीच में वही था 2 दिन बाहर जाना पड़ गया हरिद्वार, एक दिन वो था बहुत बिजी थी, सारे घर का काम करा, तो कई बार क्या होता है हम टाइम नहीं निकाल पाते, डाइट ले नहीं पाते, तो अभी क्या है एकदम तो मैंने सारी डाइट शुरू नहीं की, वो कई बार क्या करते हैं ना कि एकदम छोड़ दो, स्टॉप लगा दो, बुंडे डाल एक्सरसाइज करने लग जाओ ना, वो नहीं, धीरे धीरे, जैसे 1 वीक है इसमें मैंने स्टार्टिंग कर दिया, जैसे स्प्राउट खाने शुरू कर दिए हैं, और क्या कहते हैं अखरोट बादाम किशमिश भिगो के खाने शुरू कर दी हैं, रात को रोटी जैसे एक दिन खाई थी मैंने एक रोटी, और फिर वो अगले दिन भी नहीं खाई, उससे अगले दिन भी नहीं खाई, तो ऐसे ऐसे कम कर दी हैं वो चीज़ें, और फिर जो मैंने आटा अपने लिए मतलब खाऊंगी अभी, क्योंकि जो का आटा तो उनके पास मिला नहीं है, तो आटा जो मैं ले रही हूँ वो मैं रागी का आटा है, ये चीज़ें हैं रागी का, ज्वार का आटा है, तो और चने का आटा है, दिन में जो मैं रोटी खाऊंगी उसकी खाऊंगी, और ब्राउन राइस भी मैं लेके आऊंगी, उस दिन में दुकान वाले के पास ना ब्राउन राइस थे ना जौ का आटा था, जितना मैं लिया और उस पर अच्छा सामान मिला, तो यह बात है, तो ऐसे ही 10 दिन तक थोड़ी थोड़ी डाइट करेंगे, एकदम तो नहीं, कई बार ही होता बिल्कुल एकदम स्टॉप लगा दिया ना, एकदम तो नहीं, तो जैसे मैं चाय 2 टाइम पिया करूँ थी तो ही मैंने 1 टाइम कर दिया, तो हल्की हल्की हम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर उसको निभा के पूरी करेंगे, और फिर वीक में 1 दिन या 10 दिन में 1 बार आप खा सकते हो जो आपका मन करे,
तो देखेंगे भाई कितना वेट कम हुआ, और फिर आपके साथ में डाइट भी शेयर करूंगी साथ साथ में। तो फिलहाल जिम में तो आई हूँ, प्रिंसा के लिए पास्ता बना रही हूँ, नहाते गई मम्मी पास्ता बना, तो पास्ता बनना मैंने रख दिया है, इनके लिए बनाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी बिल्कुल भी। और मैं जब तक ना लेती हूँ ना कह, फिर अगली बार कल का फिर देखते हैं क्या एक्सरसाइज करेंगे क्या नहीं। और ये ले आई हूँ मैं अपने लिए रोटी बनाने के लिए आटा, ज्वार का, जौ का, चने का, रागी का। तो लंच में खाऊंगी मैं इनकी रोटी, दो रोटी बना कर देंगी। साथ में ओट्स जो मैं बीच बीच में खा लूँ दिन में, और ये मसाला ओट्स, ये सिंपल है। फिलहाल इसको रख देती हूँ साइड में, और आटा भी गोरी में भी अपने इसकी बनाऊंगी बच्चा की, सिंपल आटे की, क्योंकि मैं तो खाऊंगी नहीं बिल्कुल भी, ज्वार जोर का उन्हें तो कत्ती भी मुँह ना लगे, तो मैं खाऊंगी ये सब दो रोटी लंच में। और ये साथ आटे के साथ में लेके आई हूँ अपने लिए ब्राउन राइस, जब भी राइस का मन होगा तो मैं अपने लिए बनाऊंगी ब्राउन राइस। और मैं इसमें डाल दूँ अपना आटा लगता है मिक्स करके, जब भी मैंने बनाना होगा इसमें तो ले लूँगी। एक छोटी सी बाल्टी है धो के रख रखी है पेंट की, इसमें डाल दूँ, और तो कुछ है नहीं सर। बनकर तैयार है लंच मेरा, ये बना ली दो रोटी मैंने, और आज तोरी की सब्जी बना रखी है, और साथ में सलाद जिसमें कच्चा पनीर जरूर डाल कर खाती हूँ मैं, मतलब अभी जब तक जिम जाना शुरू करा है तो कच्चा पनीर होता बहुत अच्छा, तो ये सारा कुछ अभी मैं खाऊंगी। रोटी पर मैंने लगाया मक्खन वैसे घी की जगह, तो घी तो मैं खा लिया करूँ, एक डेढ़ चम्मच घी में कुछ ना होता, घी भी जरूरी है थोड़ा बहुत। तो अभी मैं खा रही हूँ अपना लंच, वैसे दही भी ऐड कर लिया करूँ लेकिन आज दही है नहीं, तो चाहो तो इसके साथ फिर ब्राउन राइस भी, लेकिन दो रोटी काफ़ी हैं, तो ये सलाद ज़्यादा है, ये सारा मैं खा लूँगी। तो ठीक है मैं खा रही हूँ अपना लंच, मिलते हैं शाम को, ठीक है। तो जिम आ गई हूँ मैं, और जो मेरी ट्रेनर हैं उनने एक और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज आज ऐड कर दी है, तो इसको आप घर पे भी कर सकते हो, 15-15 के 3 रैप आप आराम से कर सकते हो घर पे। ये सब एक्सरसाइज आपका स्टेमिना अच्छा रखेंगी, और फैट भी कम होगा जो आपका बेली फैट है, तो ये यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो राम राम जी सबने, जिम आते हुए 10 दिन हो चुके हैं, वैसे तो 7 दिन हुए हैं, और जो मेरी ट्रेनर हैं एक बार आपको उनसे भी मिलवा देती हूँ, ऐसे तो बैक में दिखाई दे रहे हैं लेकिन देख लो ये मेरी ट्रेनर हैं, और सच में बहुत अच्छी ट्रेनर हैं, अच्छे से एक्सरसाइज करवाती हैं। और मैम ने अभी तक डाइट चार्ट नहीं दिया, इनका कहना ये था कि थोड़ा ना रुक रुक के ऐसा ही था ना मैम, तो ये नहीं चाहते थे कि एकदम से मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़े, मैं एक्सरसाइज ज़्यादा करूँ या फिर ज़्यादा ऐसी डाइट लूँ, तो भी ये डाइट बताएंगे। सिर्फ जो भी आज मेरा वेट कम हुआ होगा हम देखेंगे, वो सिर्फ इनकी एक्सरसाइज जो इन्होंने बताई है, और ऐसी भी नहीं थी कि आप नहीं कर पाओ, अगर पानीपत के जो भी हो मुझे फॉलो कर दो, तो एक बार इनके जिम में ज़रूर आना, लव फिटनेस के नाम से है, डेज होटल के पास है। और मैम अपने बारे में भी बता दो कुछ, मेरा नाम निर्मल है, मैं लव फिटनेस क्लब की ओनर हूँ, और मैं इंटरनेशनल लेवल प्लेयर भी रही हूँ फ्लोबॉल की, एनसीसी कैडेट भी रही हूँ, मतलब बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। और अब आप लोगों को वेट लॉस के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए गाइड करती हूं, जो मुझे भी कर रही हैं। और अगर मैम से नहीं मिलती तो मैं शायद जिम आती भी नहीं, सच बताऊँ, आपसे बात हुई मुझे भी ये लगा कि मुझे आना चाहिए, सच बताऊँ, नहीं तो बिल्कुल भी मन नहीं था अभी मेरा जिम आने का। आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा, थैंक यू जी। और अगर आज वेट कम हुआ तो क्रेडिट पूरा मैम को जाएगा, और नहीं हुआ तो मैम को जाएगा। नहीं, आप सच में अच्छे ट्रेनर हो, और
कुछ टाइम के बाद मैम को मैं एक ट्रॉफी भी दूंगी बढ़िया सी मेरे पर्सनल ट्रेनर होने के बाद। तो इनके पास ना जैसे पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हैं, ये जुम्बा भी है अगर आप आना चाहो तो, और योगा की भी क्लास है, हर तरह की एक्सरसाइज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जो भी आपको अच्छी लगे। और मेल फीमेल दोनों ट्रेनर है इनके पास। ये भी नहीं कई मतलब लेडीज होते हैं वो चाहती हैं हमें फीमेल से ट्रेनिंग ले तो वो भी है, मेल से किसी को लेनी है वो भी है, तो दोनों है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो कुछ एक्सरसाइज मैंने आपके साथ शेयर करी हैं और अपनी डाइट भी। अब मैं अच्छे से डाइट करना शुरू करूँगी क्योंकि बीच में फिर वही था, मेरे 2-3 दिन छूट गए, 1 वीक पूरा नहीं हो पाया जो मैंने सोचा था कि 1 वीक पूरा एक हम एक्सरसाइज करेंगे और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे इस तभी मेरा वेट कम हुआ है, काफ़ी कम हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊँगी अगले व्लॉग में। बीच में जाना पड़ गया तो छूट गया हमारा जब हम हरिद्वार गए थे, तो यही था कि मॉर्निंग में मैंने यही है ब्रेकफास्ट में ये स्प्राउट वगैरह खाए थे, ये मैंने 2-3 दिन लगातार खाए। और बीच में जैसे अगर आप स्प्राउट नहीं खा सकते हो कभी कभी बीच में सैलड के साथ ब्राउन वो क्या कहते हैं ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो, ओट्स भी ले सकते हो, तो वो भी मैंने लिए हैं बीच में। जैसे एक दिन ओट्स भी खा लिए थे फिर ब्राउन ब्रेड भी खा लिए थे, तो ये सब खाए हैं। फिर लंच में वही है, बीच में अगर आपने फ्रूट खाने हैं तो एप्पल ऑरेंज मौसमी ये मैंने खाए हैं, और लंच में ब्राउन राइस खाए हैं, मल्टीग्रेन की रोटी खाई है जिसमें गेहूं नहीं थे, और तोरी घिया इन सब की सब्जी खाई और सलाद ढेर सारा, और उसमें ऐड करा मैंने पनीर रोज़, तो 50-60 ग्राम पनीर वो मैंने खाया है कच्चा ही। तो आप एक्सरसाइज करते हो तो उसमें हर चीज़ को की ज़रूरत होती है आपको, प्रोटीन वगैरह की सब चीज़ की, तो कोई सप्लीमेंट मैं ले नहीं रही हूँ अभी तक, तो ये सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी जो मेरी वेट लॉस की, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। ये कुछ एक्सरसाइज है जिनको आप घर पे भी कर सकते हो, और मेन बात ये है जब तक आप डाइट अच्छी डाइट नहीं लोगे ना आपका वेट कम नहीं होगा, चाहे आप एक्सरसाइज भी कर लो। तो अच्छी डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे मरो, सिर्फ फास्ट फूड छोड़ो और उसको कम करो और हेल्दी खाना खाओ, तो इससे आपका वेट भी कम होगा और स्टेमिना भी बढ़ेगा और आपके अंदर चेंज आएगा जो आपको दिखाई देगा। ये छोटा सा व्लॉग है, इससे शायद आपको कुछ हेल्प मिले। एक व्लॉग और बनाऊंगी मैं जिसमें आपको फिर जो मैं डाइट करनी शुरू की है वो बताऊंगी, लेकिन ये भी करोगे ना आप तो इससे भी आपका वेट बहुत ही कम होगा। और ये कुछ एक्सरसाइज थी, इनको आप घर पे भी कर सकते हो, जैसे लेग रेस वगैरह उसको भी कर सकते हो, सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हो, रस्सी कूद सकते हो, बहुत सी चीज़ें हैं, और हेल्दी फूड खाना, तो इससे आपका वेट कम होगा, बॉडी में स्टेमिना भी बनेगा। तो ठीक है जी, आज का व्लॉग यहीं बंद करती हूँ, आप लोगों से फिर मिलूँगी कल के व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय सबने।